सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों आज जिस वीडियो में हम एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो पद है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय जो है उस पर है। ये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था और इसका एग्जाम जो है वो सीजीपीएससी ने लिया था। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को जारी हुए आज से 11 साल हो गए हैं, 2009 में जारी हुआ था और फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आज जारी हुआ है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाइयां दूंगा जिनका चयन हुआ है, क्योंकि उनका पेशेंस लेवल आप देखिए, 11 साल तक किसी पद के लिए वेट करना बहुत बड़ी बात है और फाइनली आज उनका जो चयन हुआ है ये कई साल पहले भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक प्रश्न ये भी उठता है, क्या किसी चयन प्रक्रिया को पूरी होने में 11 साल लगते हैं? आप खुद सोचिए कि 11 साल तक आप क्या खुद वेट कर पाएंगे किसी चयन प्रक्रिया के लिए, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। खैर दोस्तों चलिए अब हम आगे जो है इस वीडियो पर चर्चा करते हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों इस पद से रिलेटेड जो बेसिक जानकारियां हैं सबसे पहले उन पर चर्चा करते हैं। पद देख लीजिए, सहायक प्राध्यापक भूगोल, जो कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आया था। विज्ञापन जारी होने की तिथि देखिए 15/5/2009। दोस्तों ये बहुत गौर करने वाली बात है, देखिए विज्ञापन जारी हुए 11 साल हो गए और अब इसका सिलेक्शन लिस्ट आ रहा है। कुल पद देख लीजिए 14 आए थे। चलिए दोस्तों अब जो है पदों का विवरण देख लेते हैं, अलग अलग वर्गों के लिए कितने कितने पद आरक्षित किए गए थे। सबसे पहले देखिए अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित के लिए 8 पद थे, जिनमें से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। एससी के लिए 2 पद, एसटी के लिए 3 पद, जिनमें से महिलाओं के लिए 1 पद आरक्षित था और ओबीसी के लिए 1 पद। चलिए दोस्तों जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी मैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। इस पेज में देखिए राइट साइड में लेटेस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ जाएंगे तो छठवां ऑप्शन देखिए रिजल्ट्स दिया गया है, तो इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के पश्चात देखिए दोस्तों दिया गया है पहला ही ऑप्शन अमेंडेड सिलेक्शन लिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2009 ज्योग्राफी। इसमें देखिए इसको क्लिक करेंगे हम तो देखिए दोस्तों अभी पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, इसके बाद मैं इस पर आगे आपको दिखा दूंगा क्या क्या दिया गया है। तो देखिए दोस्तों ये जो पीडीएफ है ओपन हो गया है, देखिए आपके सामने डेट भी दिया गया है 30/5/2020 का है ये नोटिस, और इसमें देखिए सारी जानकारियाँ दी गई हैं, कितने पद विज्ञापित किए गए थे, नोटिस कब आया था और जिन जिन छात्रों का जो सिलेक्शन हुआ है सब कुछ दिया गया है। तो दोस्तों अगर इस पीडीएफ को आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ जाके आप उस लिंक को क्लिक करिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद भी एक बार देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक छोटा सा अपडेट देने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक छात्रों को हेल्प हो।